1800 या कई घोटाले, कितने भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं और हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाते। क्या दिल्ली में मात्र 100-150 आदमी नहीं रहते? यहाँ धरना पर इतने कम लोग क्यों बैठे हैं? क्या ये सोचने वाला सवाल नहीं? इतनी बड़ी घोटाले हो जाते हैं हमारे ही प्रदेश में, इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं हमारे प्रदेश में, और हम अपने घर से निकलकर चाक चौराहे और चर्चा करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक जागरूकता लोकतंत्र का जान होता। जिस दौर में हम जी रहे हैं उसी को गला मरोड़ के मार दिया गया है। हमारे अंदर राजनीतिक चेतना का खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेवार हम भी हैं। आप गार्जियन भी है और हम नौजवान भी। एक वक्ता थे जिन्होंने बोला कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोगों की जरूरत, किनसे किनसे वो उम्मीद किए हैं कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग हों? भगत सिंह भी प्रेम करते थे। वो बोलते थे, ये मांग उजड़ा टीका, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या चुन पाऊंगा मैं तुझ पे मर तो जाता लेकिन वो मेरी जान, ऐसे में तेरे कंगन क्या चुन पाऊंगा। वो दौर था जब सामने में अन्याय दिखता था, घुटन होती थी, तब लड़का लड़ता था, तब नौजवान और उसके गार्जियन लड़ने के लिए प्रेरित करते थे, और अब हमारे सामने अन्याय इतना बढ़ गया है कि हम और हमारे राजनीतिक सोच और हमारे मानवता दब गया है और हम मर चुके हैं। हमारे अंदर राजनीतिक सोच और राजनीतिक चेतना खत्म हो गई है। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे सामने अन्याय हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ईमानदारी से बोलिएगा आप तमाम लोग, जितने लोग हैं, क्या अपने फैमिली के एक भी बच्चा को राजनीति में आने देना चाहते हैं? अपने ही लड़के को जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल सोच होगी, उसको कहेंगे बबुआ प्रवचन मत दे, बैठ घरे आराम से एसी में रहो, गाड़ी आता है क्लास जाओ, फलना में पढ़ो चिल्ला में पढ़ो, लेकिन राजनीति मत। राजनीति वर्ड को इस हिसाब से पेश किया गया है कि वो गाली लगता है। क्यों? इसके दोषी कौन? हम सोच ही क्यों नहीं पा रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित है एक बार सोचे कि हम अपने परिवार और अपने समाज को कैसे बना रहे हैं। क्या समाज को राजनीतिक जागरूक करना आपकी और हमारी जवाबदेही नहीं है? आज 1800 करोड़ का घोटाला हो जाता है और तमाम लोग चुप है, तो इसमें आपने क्या किया? क्या ये स्वयं से सवाल पूछने वाला नहीं है? नहीं, हम स्वयं से सवाल ही नहीं पूछना चाहते हैं। हम किस हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, किस घोटाले को उजागर करना चाहते हैं? किसी की बुराई कर देना या किसी की बड़ाई कर देना हमारी राजनीतिक या हमारी देशभक्ति नहीं है। हमारी देशभक्ति इसमें है कि आज हम क्या कर रहे हैं। माननीय सांसद पप्पू यादव मेडिकल माफिया के विरुद्ध ऐसे अभियान चलाए, हम लोग बिहार में रहते हैं, हम इनके साथ ही रहते हैं, कि आज कहीं भी मेडिकल हॉस्पिटल में जब कोई मरीज को जबरन रखा जाता है, आपको विश्वास भी नहीं होता कि जबरन और मजदूर और मरीज को कैसे रख सकता है कोई डॉक्टर, रखता है। एग्जांपल से आईसीयू जो होता है, आईसीयू में रखता है, क्या करता है? 55,000 रुपया पैसा बाकी, वो बोलता है पैसा ला कर दो तब हम आईसीयू से छोड़ेंगे। ठीक, वो शाम हो जाता है, वो 55,000 एक दिन में नहीं ला पाता है, तो बोलता है अगले दिन फिर 5,000 का चार्ज बढ़ गया, अब 60,000 ला के दो तब तुमको छोड़ेंगे। तो एक तरीका से एक स्कैंडल होता है, आईसीयू में मरीजों को रखा जाता है और अगले दिन का उसको आईसीयू का चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरह से कई हॉस्पिटल, कई प्राइवेट माफिया करते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। यही सांसद पप्पू यादव का जब फोन जाता है, हम ही लोग फोन कर देते हैं कि पार्टी से बोल रहा है, तो कहता है भाई छोड़ जल्दी, नहीं तो इनको हम आगे तोड़ तारते, कैसे फोन नहीं जाता है। ये होना चाहिए काम। पप्पू जन हर कैंटीन बिहार के चाक चौराहे पर चलता है, जहाँ पर सरकारी फंड से नहीं, खुद के पॉकेट चंदा के पैसे, हम लोग 20 रुपया में हम लोग खाना खाते हैं, कॉलेजों के लिए बस चलते हैं। कई ऐसे जमीन पे काम है जो केजरीवाल आएंगे भ्रष्टाचार खत्म होगा,
सपना में नहीं जीते हैं हम लोग, जमीन पे करके देखने वाले लोग हैं बोस साहब और तमाम यहाँ जन अधिकार पार्टी के लोग। क्या दिल्ली के सांसद का एक व्यक्ति का नाम बताइए? आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का मूड देश का मूड होता है कहा जाता है। एक सांसद का नाम बताइए जो अपने आवास को गरीबों के हवाले किया, गरीबों के नाम किया हो या गरीबों की इजाजत दी हो कि भैया तुम रहो पानी उनी पी के जाना, है क्या? कोई नहीं मिलेगा। हजारों लोग, कलमी का आंकड़ा है 533 लोग बता रहे थे कि आज, और ये बिहार से नहीं पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और सेवा श्रम जो उनके आवास में चलता है वहाँ एक कॉलोनी बसा हुआ है वहाँ आके रहते हैं, खाते हैं और अपने एम्स में इलाज कराते हैं। बाकायदा पैसा भी जो लगता है एम्स में या उनके बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने में गवर्नमेंट से दिलवाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो खुद से दिलवाते हैं, लेकिन उनकी जो भी इलाज के लिए जरूरत की चीज़ होती है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो हिंदुस्तान से आए हुए आप तमाम लोगों से भी ये कहेंगे कि अगर कभी जरूरत पड़ी इलाज की या सहानुभूति की या कुछ भी चीज की, मुझे लगता है कि सांसद पप्पू यादव से बेहतर कोई चीज़।